ही फ्रेंड्स, अभी जो आप व्लॉग देखने वाले हो ये ना मेरे को बहुत पहले का व्लॉग है, बहुत पहले का। उस टाइम में ठंडी स्टार्टिंग में ही था। सो आप लोग प्लीज़ इस व्लॉग को प्यार देना ढेर सारा और प्यारा सा कमेंट करना। तो चलिए आप लोग देखिए इस व्लॉग को और इन्जॉय करिए। ओके फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। और अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 11 और हम जा रहे हैं टफ्ट से नहाने के लिए, क्योंकि ठंडी शुरू हो गई है तो नहाना तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि सांस का प्रॉब्लम है, बट नहाना तो पड़ेगा ही। सवेरे है अभी तो थोड़ा बहुत धूप निकला भी है, अगर ज़्यादा ठंडी हो जाएगी मतलब दिसंबर के लास्ट या फिर जनवरी से तो वैसे भी धूप निकलने से नहीं, लेकिन नहाना तो पड़ेगा ही 2 दिन या 3 दिन गैप करके। सो या अभी जा रहे हैं फटाफट से नहाने और नाश्ता भी नहीं कर रहे हैं, सोचे नहाने के बाद ही नाश्ता करेंगे। मेरा पानी गर्म हो चुका है, जब भी ठंडी आता है हम गर्म पानी से ही नहाते हैं क्योंकि ठंडा पानी से नहीं नहा सकते, सांस वाली प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। और ठंडी तब स्टार्ट हुई है तो पर डे का हो चुका है, अभी हम 3 दिन से बीमार चल रहे हैं सांस की प्रॉब्लम से। आज थोड़ा सा कम है लेकिन नहाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 4 दिन शायद कि 3 दिन हो गया मेरे को नहाए, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सो सवेरे नहा लेते हैं ताकि मेरा बाल भी सूख जाए, ठंडी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, क्या ही करे ऐसा। तो कोई बात नहीं, चलिए फटाफट से आते हैं नहा करके फिर करेंगे नाश्ता। और जो होंगे चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट कर दिया करो, क्या कंजूसी एक कमेंट करने में। तो चलिए जाते हैं अभी, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। फैम यहाँ पे बन रहा है अभी बैगन का भरता और वीडियो में तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है देखने में, तो आज खाना में चलेगा दाल चावल और बैगन का भरता, जो कि बना रही है रानी अच्छे से, एकदम पूरा ताकत लगा के इसको मसल रही है। सो गए, रोने लगी है समय। मारो शीजा को, सब मिलकर, शीजा की अम्मी नहीं है घर में, मारो मारो मारो। कहाँ जाओगे? फैम नहा करके तो आ गए थे, बट अभी तक पता है नाश्ता और खाना कुछ भी नहीं किया, बहुत बहुत भयंकर भूख लगी हुई है। 3 बज रहा है तो अब जा रहे खाने के लिए। मेरा बाल भी सूख ही गया है, बस थोड़ा बहुत 20% बचा होगा, वो खाने के बाद सुखा लेंगे। तो चलिए देखते हैं और आप लोग बताना। अभी जा रहे हैं हम अभी जी के लिए अचार बनाने के लिए, ठीक है? तो कैसा बना आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है? पसंद आए तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। सो फैम रेडी इसलिए हुई थी क्योंकि काफ़ी सारे रील्स बनाए मैंने, तो आप लोग चाहते हैं देखना तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा का लिंक है, वहाँ से जाके रील्स वॉच कर सकते हो। फिलहाल अदनान सो रहा है और सुबह से वो जगा हुआ था, अभी मगरिब का टाइम सो गया, बट क्या ही कर सकते हैं बच्चा है। तो चलिए जाते हैं किचन में और बनाते हैं सबके लिए चाय, क्योंकि छोटे अबू काफ़ी देर से चाय 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 कर रहे हैं। तो चलिए। सो गाइस, रंग बिरंग कपों में मेरी आ चुकी है यहाँ पे चाय और फिलहाल अदनान भी सो के उठ चुका है। सो चलो इसको थोड़ा सा करवा देते हैं मस्ती, काफ़ी उदास लग रहा है। और यहाँ पे मोबाइल अपना पावर बैंक से चार्ज कर रहे हैं क्योंकि व्लॉग एडिट करना था तो चार्ज में लगा करके खड़े खड़े पॉसिबल तो है नहीं, इस वजह से पावर बैंक, वो भी हबी जी के कंपनी का, एयरटेल कंपनी का, इनको 2 या 3 मिला था, बाकी तो इन्होंने, इतना दिलदार दिल है मेरे हबी जी का कि 2-3 तो किसी ने बांट दिया मतलब भाई, बाकी ये एक बचा हुआ था तो मैंने सोचा चलो अपने यूज़ के लिए ही रख लेते हैं, वैसे सफ़र में भी यूज़ आ जाता, काम आ जाता है। सो या ये वाला पावर बैंक हम खुद भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अभी व्लॉग एडिट करना है, तो थोड़ा बहुत अदनान को करा देते हैं मस्ती, उसके बाद जाएंगे इसको व्लॉग को एडिट करेंगे। ओके गाइस, अदनान ये पैसा कौन दिया तुमको? फुआ। कौन? फुआ दी? फुआ। और हम यहाँ पे उबाल रहे हैं दूध, कहीं गिर ना जाए इसलिए खड़े हैं। अभी हम आ चुके हैं अपनी छत्ती पे, छत्ती नहीं बोला जाते क्योंकि अदनान बोलता है छत को छत्ती, इस वजह से हम तो अदनान की हैं मम्मा। सो अभी आ चुके हैं छत पे और क्यों आए हैं, कल जो अचार बनाए थे उसको फिर से धूप में रखने आया है, तो दिखाते हैं वो कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है? तो ये रहा मेरा अचार है, पता नहीं बस टेस्टी बन जाए, बड़ी उम्मीद है इससे मेरे को। मम्मा ये क्या है? ओ गॉड जी, छी 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 छी, तो बताओ तो बताओ, भाभी ए भाभी छत पे आइए, एक चीज दिखाएंगे जल्दी। अभी
अभी वोटिंग चल रही है ना, हर तरफ हल्ला ही हल्ला हो रहा है। इधर छोटी अम्मी का बड़ी अम्मी खेंद्रा सिर, यहाँ देखिए ना, ला 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 ला। कोई बिल्ली लिखा के भागा है, छी तोबा। बोरा समेटे फेंक दीजिए, भले बोरा भी फेंक दीजिए। बोला बोले छत्ती पे जाएंगे तो जल्दी से पहन छत्ती। हाँ, अदनान का बाल को करंट लग गया है। अदनान पाउडर लगा, छत्ती पे लगा। अदनान तुम्हारे बाल को करंट लग गया है। हमको सुबह में बोले जाए चुम्मी, बोल दो। सर्दी से वो परेशान बना हुआ, चला गया अंदर, चला गया। ऐसे बोलती है। तो अभी चल रहा है यहाँ पे मेरा नाश्ता, और नाश्ते में है आज मेरे पास मिक्स वेज की सब्जी एंड दो रोटी खाए हैं, मतलब खाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो सोचा प्यार दिखाया करिए, कमेंट में कुछ तो कमेंट कर दिया करिए, ताकि पता चले कि हाँ कौन कौन आप मेरा व्लॉग देख रहा है और कहाँ से देख रहा है और क्या चीज़ आप लोग को पसंद आ रहा है। अगर कोई भी मेरे व्लॉग में कमी है तो आप लोग बता सकते हैं, उसको पूरा करने की फुल कोशिश करेंगे। जब तक आप लोग नहीं बताइएगा कैसे समझ में आएगा कि हाँ व्लॉग सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग कुछ भी कमेंट कर दिया करिए, कुछ भी। Hey beautiful fam, welcome back to my channel, Farin Ria Vlog. So कैसे हैं आप सभी, होप यू गाइस आप लोग अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बस हम भी ठीक ही हैं, क्या बताएं। सो या बाकी तो सब सही है। गुड मॉर्निंग हो चुका है, चाय बिस्किट हो गया है और सब कुछ अभी, बट फिर भी मच्छरदानी के अंदर ही बैठे हुए हैं, मच्छरदानी नहीं खोले हैं, बिस्तर नहीं किए हैं। तो या क्या बताएं, कल थोड़ा सा कोई नहीं। तो अभी अदनान भी था और सारे पे, और अदनान का कोई रोटी खा गया तो बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। अभी रिटर्न इधर फिर आया है, यहाँ पे बैठ के अदनान खेल रहा है अपना गाड़ी ट्रेन, माना ट्रेन। अद्दू क्या बोलता है, मेरी ट्रेन को बोलता है माना ट्रेन, बोलते अदनान। क्या बोलते हो, माना ट्रेन, माना ट्रेन। अब बेड पे ही था तो छोटे अब्बू आए बुलाने के लिए अदनान, तो बोलता हाँ, फिर बोला अदनान दा छोटी दल्ला रुकिए रुकिए, मतलब कि जाइए नहीं, हम भी आ रहे बाहर में। उस टाइम तो बज रहा था 7, काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी बाहर में, तो हम लदनान मत जाओ बाहर ठंडी है, बस रोने लगा। उसके बाद छोटे अब्बू चले गए तो बोल रहे जा छोटे दादा जा, मतलब चले गए वो किसी तरह। इसको 7:30 बजे तक बिस्तर के अंदर उसको रखे, बट ये रहा ही नहीं, कोई ना कोई आ ही जा रहा था बुलाने बार बार, तो इसको उठना पड़ा और बोलता पापा उठी चाय ब्रेड, पापा उठी चाय ब्रेड। सो या और काफ़ी सारा मेरे को मुच्चू भी दिया है, एकदम किसी पे किसी, किसी पे किसी, आज इतना किसी किया है क्या बताए। मम्मा का बेटा है ना, बहुत प्यार करता है ना बेटा। हाँ, हाँ बहुत प्यार करता है। ये अद्दू है, अद्दू को कल दोपहर 3 बजे से इसको छोड़ करके कहीं गए हुए थे। दरअसल मेरे फूफा है, अपने नहीं फूफेरे थे, तो उनका इंतकाल हो गया था शाम 3 बजे, तो उस वजह से हम वहाँ हमको जाना पड़ा, पास में ही है। इसको 3 बजे से यहाँ अकेले छोड़े हुए थे और रात 10 बजे आए, बच्चा मेरा सोया हुआ था। बट कोई नहीं, बहुत समझदार है, ये रह लेता है अपनी लाडो के पास ना, लाडो रानी घर पे थी तो उस वजह से वो साथ रह लिया। बाकी और पापा रहते तो भी रह लेता है, ऐसे भी रह ही लेता है, बट उतना थोड़ा बहुत तो याद करता ही, लेकिन यहाँ लाडो और रानी के पास था तो याद नहीं किया। 3 बजे से सोचे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 घंटा वो मेरे बिना रहा है, बट बिल्कुल नहीं रोया, बिल्कुल मतलब परेशान, मतलब परेशान भी नहीं किया किसी को। तो या बहुत अच्छा,
मेरा गुड बॉय है ना बेटा। हाँ। मम्मा का बेटू है तो बहुत अच्छा बच्चा है माशाल्लाह। मम्मा का बेटा कौन है? अड्डू। अड्डू किसका बेटा है? सुबह सुबह छत्ता तुमको याद कर रहा था अदनान। खालू को याद कर रहे थे। अरे बाप, छत्ता को। और कौन था? और अदनान कौन था? दादा। दादा दिल्ली में? दिल्ली जाओगे? किसके पास जाओगे? नाना। नाना दिल्ली में? नाना कहाँ है? पापा। पापा क्या चीज से जाओगे? मार्केट। क्या चीज से जाओगे? अड्डू। उसमें अड्डू है? हाँ। ये अड्डू है? एशियामा। अड्डू फ्लाइंग किस कर दो? अड्डू को फ्लाइंग किस कर दो? अरे वाह, ये तो ट्रेन की पटरी किस हो रहा है? बोलो अलहम दू लिल्ला अलहम इम्मा अलहम हमाम अल अल हम हम दू दू लिल्ला यब्बा यब्बा यब्बा। सो अभी बैठे हुए हैं फिलहाल यहीं पे, जा रहे फटाफट से काम करके, फिर हमको वहीं जाना है क्योंकि मेरी भूपी जान भी आई हुई है, वहीं है। सो जाएंगे फिर मिलने के लिए भी। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से काम फिनिश, उसके बाद निकल जाएंगे। और आज सोच रहे सुबह है तो अदनान को लेके ही जाएंगे, तो उसको भी रेडी करना है। तो चप्पल पहन लिए हो अदनान? आयशा का? आयशा मारेगी तो क्या करोगे? चल भी नहीं हो रहा। सो गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस व्लॉग को इतना सारा प्यार दिया। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।